बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सल्फेट फ्री एगन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में। इससे पहले मैं आपके साथ एक अपनी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि एगन ऑयल कंडीशनर की थी, लेकिन वो सल्फेट फ्री नहीं था। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास है एगन ऑयल शैम्पू और सल्फेट फ्री कंडीशनर। ठीक है, इन दोनों की पैकिंग सेम है, सेम कंपनी से हैं ये, इनकी क्वांटिटी भी सेम है। दोनों एगन ऑयल है फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को एक जगह है जो कि बहुत फेमस है एगन ऑयल के लिए, और उस जगह का ये नाम पे मोरक्को लिखा जाता है, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है बल्कि एक प्लेस का नाम है। और ये फॉर्मुलेटेड है इटली से दोनों, और दोनों की कंपनी सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, 400 ml है, और दोनों की प्राइस भी सेम है। ठीक है, पैकिंग भी दोनों की सेम है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। एक शैम्पू है और दूसरा कंडीशनर है, लेकिन इनमें एक जो बात है वो ये है कि ये जो कंडीशनर है मेरे पास इस कंपनी का, ये सल्फेट फ्री है। ठीक है, इस पर मेंशन भी है, आप इसकी ये देख ले कि ये इस पैकिंग में मिलता है, ये बिल्कुल सील होता है। और इसकी पैकिंग अगर सील नहीं है तो फिर आपने इसको परचेज़ नहीं करना। इसकी पैकिंग खोलने के बाद आप इसको ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, और फिर इसके ऊपर एक नोज़ल लगी होती है जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड है या आपने कोई कैराटिन कैराटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके लिए ये बेस्ट है। और अगर आप इसको वीक में दो बार इस कंडीशनर में 2 चम्मच कोई सा भी ऑयल मिक्स कर देते हैं और बालों पर अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर पॉलिशर का भी ये काम करता है। ठीक है, ये जो शैम्पू है इस पे लिखा है सिल्की मॉइस्चर, इस पे कहीं भी सल्फेट फ्री मेंशन नहीं है, जबकि कंडीशनर पे ये चीज़ मेंशन है। इट मींस के ये जो शैम्पू है ये सल्फेट फ्री नहीं है। तो जो लोग इसकी पैकिंग से ये धोखा खा जाते हैं कि ये दोनों की पैकिंग सेम है, दोनों ही जो है सल्फेट फ्री हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो ये जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप इसके इंग्रेडिएंट्स में चेक कर सकते हैं कि इसमें सल्फेट मेंशन है। इसके जो फ्रंट साइड है जहाँ पे इसका नेम मेंशन है वहाँ पे सिल्की मॉइस्चर लिखा हुआ है, मगर वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सल्फेट फ्री है। लेकिन सेम पैकिंग की वजह से जो किसी कंडीशनर की है तो सबको यही लगता है कि जैसे कि कंडीशनर सल्फेट फ्री है तो ये भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक आता है रिच मॉइस्चर केयर के नाम से, और उसके फ्रंट साइड पे मेंशन भी होता है कि वो सल्फेट फ्री है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे और कंफर्मेशन ना हो तो आप इंग्रेडिएंट्स में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो शैम्पू है वो सल्फेट फ्री है या नहीं है, और सेम पैकिंग से आप धोखा ना खाएं। और सल्फेट फ्री जो कंडीशनर होता है उसको मैंने लिया है, और साथ में मैंने ये वाला शैम्पू इसलिए लिया है क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। सल्फेट फ्री कंडीशनर से ये हो सकता है कि मैं इसको अपने स्कैल्प में भी अगर यूज़ कर लूँ, जबकि कंडीशनर्स को नहीं यूज़ किया जाता, बट सल्फेट फ्री को मैं अपने स्कैल्प में यूज़ कर लेती हूँ, स्कैल्प के पास, मतलब बिल्कुल भी इसको रब नहीं करती जैसे ऑयलिंग हम करते हैं, मगर उसको मैं स्कैल्प के पास अपने यूज़ कर लेती हूँ, जबकि जो सल्फेट फ्री कंडीशनर्स नहीं होते उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी रही इस शैम्पू की बात, ये शैम्पू बहुत अच्छा है अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, अगर आपके बालों में फंगस हो जाता है या डैंड्रफ हो जाती है, फ्रिजी बाल हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालों में वॉल्यूम आए, बाउंस करें वो, और उसकी जो फ्रिजीनेस है वो ख़त्म होकर वो शाइन करें, तो आपको मैं ये जो शैम्पू है वो रिकमेंड करूँगी। बट मैं फिर मैंशन कर दूँ कि इट इज़ नॉट सल्फेट फ्री। अगर आपने सल्फेट फ्री लेना है तो रिच मॉइस्चर केयर के नाम से सल्फेट फ्री यहाँ पे मेंशन होगा, और आप इंग्रेडिएंट्स में भी इसको चेक कर सकते हैं, उसमें मेंशन होगा कि उसमें कोई सल्फेट नहीं है। ठीक है, नोस्पा वालों का ये है, मेड इन इटली ही है, बट दोनों शैम्पू अवेलेबल है इसमें।